आपने अक्सर सिंधी भाइयों की ज़ुबान से एक नारा तो सुना होगा, मर वेसू सिंध न दिसू। इस नारे का मतलब है हम मर जाएंगे मगर सिंध नहीं। ये नारा वैसे तो सराय की ज़बान में है। आप सोच रहे होंगे कि ये सदी का नारा है मगर मैं कहूँगा नहीं। इस नारे के पीछे कई कहानियाँ मरकूम हैं और कई शहदाओं के नाम मरसूम हैं। ये नारा सन 1843 में लगाया गया था, मर वेसू सिंध न दिसू। इस नारे को लगाने वाले का नाम होश मोहम्मद शहीदी था, जो आप स्टैचू अभी देख रहे हैं ये उसी जाबाज नौजवान जनरल होश मोहम्मद शहीदी का है। हैदराबाद के किसी गांव में इनका मकबरा भी मौजूद है। जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ उसे हैदराबाद की गोल्ड बिल्डिंग कहा जाता है, और यहाँ से होश मोहम्मद शहीदी का मकबरा तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है। बाकी कहानी मैं आपको वहाँ चल के सुनाऊँगा, चलिए मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर इंजॉय कर दूंगे। सुभान अल्लाह जी सफदलना हदा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। अच्छा जी, एक जगह को तो हमने विजिट कर लिया और आपको उसकी स्टोरी भी बता दी। अब थोड़ी तारीख आपको बतानी है, वो बतानी है भैया दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे है इन जनाब का मकबरा, और वो है यहाँ से मैप तो मुझे बता रहे कि 26 मिनट की राइड है और वो है 14 किलोमीटर दूर। जबकि मैप पे मुझे अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा क्योंकि मैप ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया। बंदा आगे वाला शर्मा रहा है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से आगे निकल जाऊँ। अभी दूसरी वाली जो जगह है जहाँ पे होश मोहम्मद शहीदी का जो मकबरा है जो कि मीरपुर खास रोड पे अंदर कहीं जाकर है, मैप जो है थोड़ा सा आज घुमा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ को जाऊं। मैं तो समझता था कि सिर्फ कराची में ही ट्रैफिक की भरमार है, लेकिन ट्रैफिक तो माशाल्लाह यहाँ पर भी है। बस हाईवे की तरफ निकल जाए फिर मैं उसे तेजी पकड़ूंगा। शाम भी होने वाली है, आज मैं थोड़ा सा देर से निकला था घर से, कोशिश करेंगे कि आज जल्द से जल्द पहुंच जाए। अभी जो टाइम हो रहे 6:25, अगर ये कह रहा है कि 23 मिनट की राइड है तो लगभग ये लगा देगा आधा घंटा 35 मिनट तक तो लग ही जाएंगे। गटर के पानी ने भाई यहाँ पे थोड़ा सा हाल बुरा किया हुआ है। यहाँ पे 3 नहरें क्रॉस करनी पड़ती है, उसका मुझे ख्याल नहीं था। मैं तो वैसे मैप देखकर ही निकला था, लेकिन यार ये मैप जो है ना आजकल थोड़ा सा घुमा रहा है मुझे। कराची में सही चलता है लेकिन यहाँ पे पता नहीं इसको क्या हो गया है। ओए हाय हाय हाय, क्या बुरी हालत हुई हुई यार। आगे एक टन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ। अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो बनाने में कोई मज़ा नहीं आएगा, और ना ही जब वीडियो अच्छी नहीं बनेगी तो कंटेंट भी अच्छा नहीं बनेगा, कुछ ऐसा ही है। और ना ही मुझे मज़ा आएगा, अगर मुझे मज़ा नहीं आया तो फिर समझ ले कि आपको कैसा आएगा यार। जब मेरा दिल करेगा कि एक चीज़ मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँ तो फिर वो बाकी चीज़ अच्छी बनती है। फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये होश मोहम्मद शहीदी का मकबरा किस तरफ है? होश मोहम्मद शहीदी का मकबरा
ये वाला रोड था जो उस वक्त मुझे नजर नहीं आया। हमने जाना है जी यहाँ से अब सीधा। अभी ये मैप क्या बता रहा है कि 9 मिनट की ड्राइव है और 5.8 किलोमीटर है आपके पास फासला। यार मुझे बात समझ में नहीं आ रही, कई सारे लोगों को नहीं मालूम कि सिंध के एक मशहूर मारूफ एक जांबाज हीरो गुजरे और सिंध की तारीख में बहुत बड़ा बहुत अहम किरदार है इनका, होश मोहम्मद शीदी का। अक्सर उनको होशो भी कहते हैं, होशु 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 मोहम्मद शीदी भी कहते हैं। मैंने एक साहब से वहां पे रास्ता पूछा, मैंने उनसे पूछा होशु मोहम्मद शीदी का मकबरा, उनको नहीं मालूम, या फिर हो सकता है कि वो किसी और नाम से जानते हो। है क्या खूबसूरती यार, हर तरफ आगे पीछे खेत खलियान दोनों साइड पे और बीच में से रास्ता जा रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं, सुभान अल्लाह। यार ट्रैक्टर वाले थोड़ा सा रास्ता दे दे यार, तो बस मुझे क्या खूबसूरती यार। मुझे ग्रीनरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, एक पहाड़ों से और दूसरा ग्रीनरी से। अच्छा जी, तो रास्ता पूछते पूछते तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ और यहाँ तक आने में जो है ना आपके भाई का ये मीटर भी निकल गया, नट इसका लूज़ होके कहीं गिर गया पता ही नहीं चला, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोड का सीन है तो बाइक थोड़ी सी उछल रही है और मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द अज जल्द पहुँच जाऊँ अंधेरा होने से पहले पहले। सलाम वालेकुम जनाब, ये होश मोहम्मद शीदी का मकबरा किस तरफ है? सामने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ओए होए 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 होए, बस 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 बस, मुझे डर है कि ये मीटर गिर ना जाए, लेकिन वैसे तार तो इसका इतना छोटा है कि नहीं गिरेगा। यार यहाँ पे कहीं दिख भी नहीं रहा है, कहाँ है भाई? मैं तो हूँ वैसे बहुत करीब करीब। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, नज़र आ गया। हाँ ये टेंपल तो नज़र आ गया और इसके अलावा मकबरा। ये कब्रिस्तान है शायद, हाँ इस कब्रिस्तान के बाद वो होता सामने नजर आ रहा है, ये रहा जी, ये रहा, ये रहा सामने आपको मकबरा नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, बस यहाँ से खैरियत के साथ जल्दी से निकलना होगा क्योंकि रास्ता थोड़ा सा सन्नाटे वाला है। चले भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए।
यह है होश मोहम्मद शीदी का मकबरा। यह हैदराबाद के एक छोटे से गांव में वाक़ है। इस गांव का नाम नारे जानी भुट्टा खान सिया है। मुआरखीन लिखते हैं कि होश मोहम्मद शीदी के वालदैन टंडो खोड़ो के रिहायशी थे। उसके वालदैन का ताल्लुक कहां से था, क्या वो वाकई अफ्रीका से आए थे या फिर सिंध के ही थे, इस बात की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि तारीख होश मोहम्मद शीदी से बहुत उलझी हुई है। और यह बात भी मुतनाज़ है कि होश मोहम्मद शीदी की पैदाइश सिंध की ही है या फिर अफ्रीका की। शीदियों के बारे में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी लिखते हैं कि शीदी गुलाम बनकर बलूचिस्तान आए थे और सिंध में भी आए थे, जो बहुत सारे सिंध में ही रह गए और उनकी नस्लें भी यहाँ बढ़ी। उनमें से एक होश मोहम्मद शीदी की पैदाइश भी सिंध में हुई। मुआरखीन लिखते हैं कि हैदराबाद की तारीख में दो जंगें हुईं, एक मियानी की जंग, दूसरी दुबे की जंग। 17 फरवरी 1843 को इस मकाम पर मियानी की जंग हुई, जो कि अंग्रेज़ों और मीर नसीर मोहम्मद ख़ान के दरमियान लड़ी गई, और इस जंग में मीर नसीर मोहम्मद ख़ान को शिकस्त हुई। चंद दिन बाद 24 मार्च 1843 को अंग्रेज़ों ने फिर हलचल की। दिन तक 24 मार्च 1843 दुबे की मकाम पर ऐलान जंग हुआ। अंग्रेज़ों और मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर के दरमियान अंग्रेज़ अफवाज के कमांडर सर जनरल चार्ल्स नेपियर थे और तारपुल फौज के कमांडर जनरल होश मोहम्मद शीदी थे। जंग शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही। तालपुर अफवाज अपनी बहादुरी से लड़ते रहे और इसी लड़ाई के दौरान मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर शहीद हो गए। अफवाज बिखर गई। इस दौरान सर जनरल चार्ल्स नेपियर ने एक नौजवान को बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते देखा, जो कि एक दीवानावार होकर लड़ रहा था, जैसे कि वो जंग के लिए ही पैदा हुआ। इस जवान का नाम जनरल होश मोहम्मद शीदी था। होश मोहम्मद शीदी अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और आखिरकार ये नारा लगाते हुए शहीद हो गए कि मरसूँ मरसूँ सिंध न देसूँ। सर जनरल चार्ल्स नेपियर ने फौजी एजाज़ के साथ पक्का किला में सुपुर्द खाक किया, मगर इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया कि मैं जब पक्का किला गया और मुझे होश मोहम्मद शीदी की कब्र वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आई और ना ही मिली। और अगर वाकई होश मोहम्मद शीदी की कब्र पक्का किला में मौजूद है तो फिर ये किसकी कब्र है? खैर, तारीख होश मोहम्मद शीदी की तारीख से बहुत उलझी हुई है। होश मोहम्मद शीदी की कोई मसनद तारीख नहीं मिलती। इस मकबरा के हदूद में कुछ कबूर हैं। मैं समझा था कि ये इनके किसी रिलेटिव की हैं, मगर गांव वालों से पता चला कि इनकी तारीख भी कहीं से नहीं मिलती। कौन है, कहां से आए, किसी को कुछ नहीं मालूम। आज हम अपने तारीखों से फरामोश हो गए। सिंध के एक बहादुर सिपहसालार जिन्होंने सिंध की लड़ाई लड़ते हुए अपनी एक तारीख रकम कर दी और हमने तारीख को फरामोश कर दिया। मुझे इस मकबरा में ना तो कहीं सफाई दिखी और ना ही कोई सफाई करने वाला दिखा। यहाँ के मकामियों से मालूम हुआ कि एक खादिम रखा था, उसे तनख्वाह नहीं दी गई और वो खेतों पर चला गया। इस गांव के लोग आजिज और बहुत मेहमान नवाज हैं। मेरे आते ही मुझे दरवाज़ा खोल कर दिया और मुझसे पानी का पूछा। गांव के लोग कहते हैं कि इस मकबरा की देखभाल हम ही करते हैं, अपनी मदद आप, हुकूमत की इस पर कोई नज़र नहीं। मैं जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि इन शहदाओं की रूहों के साथ मजाक है, जिन्होंने आज़ादी की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, मगर हमने ये सब फरामोश कर दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा हैदराबाद का ट्रिप यहीं पर मुकम्मल हुआ और इस बात के लिए मैं बहुत माजत खा हूँ कि मेरी वीडियोज़ काफ़ी लेट आती हैं और कोशिश है कि बहुत जल्द जो है जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ना अगर वफा की तो फिर मुलाकात होगी।